नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुशांत राज। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल द गोल स्टडी पॉइंट। साथियों, मैंने यह तय किया है कि आप लोगों को क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके बीच मोटिवेशनल कोट्स लेकर के आऊँ जो आप लोगों को मोटिवेट रखें। चलिए आज के दिन का शुरुआत करते हैं। मोटिवेशनल कोट्स में है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन द लाइफ इज फॉर अ मैन टू बी रेडी फॉर हिज अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। जैसे हम लोग प्राय किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया आपका जो सक्सेस मतलब लाइफ में आप सक्सेस जो कर रहे हैं इसका सीक्रेट क्या है। सीक्रेट यही है दोस्त कि किसी भी व्यक्ति का किसी भी एक सक्सेसफुल जीवन का सीक्रेट यही है कि जो व्यक्ति सक्सेस कर जाता है उसका सक्सेस करने का सीक्रेट यही है कि जब उसके पास अवसर आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, तो वह उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है। जैसे हम लोगों के बीच सपोज कीजिए रेलवे की एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाए कि रेलवे के एग्जाम इस डेट से होने वाला है, तो ये हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया हुआ है। अगर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ हम लोग उठाते हैं इस एग्जाम के अनाउंसमेंट से पहले, अपने सभी सिलेबस अपने सब सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को हम पार कर लेते हैं, इस अवसर को हम स्वीकार कर लेते हैं और यही हमारे सक्सेस का सीक्रेट बन जाता है। तो किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का लाइफ का सीक्रेट यही है, जब उसके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आता है तो वह उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं आपको हिस्ट्री में पिछले क्लास में निगोलिथिक पीरियड का जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स था उसको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेटल एज। मेटल एज क्या होता है? मेटल एज भाई, मेटल एज को हिंदी में कहा जाता है धातु युग। क्या कहा जाता है दोस्त? धातु युग। धातु युग में हम लोग करेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। पूरा जबरदस्त हिंदी है, ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। इसका जबरदस्त इंग्लिश भी है। क्या इंग्लिश है? कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज के बारे में क्या कहा जाता है? इसका डेफिनेशन है, ताम्र पाषाण काल को आप तोड़ दीजिए दो भाग में तो टूट जाएगा, ताम्र जोड़ पाषाण काल। मतलब वैसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में तांबा का भी यूज हो रहा था और जिस मतलब टाइम पीरियड का जो औजार था तांबे का भी यूज किया गया था उस औजार को बनाने में और पाषाण पत्थर का भी यूज किया गया था। मतलब ताम्र पाषाण काल के बारे में कहा जाता है कि इस समय जो भी औजार मिला था वह तांबा और स्टोन दोनों का था, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें वर्चस्व जो है तांबा का था, मतलब कॉपर का था, कॉपर धातु का था, जिस कारण से इसका नाम पड़ जाता है ताम्र पाषाण काल। पाषाण मीन्स क्या होता है? पाषाण मीन्स होता है पत्थर, पत्थर मतलब स्टोन। मतलब इस समय का जो भी औजार मिला उसमें पत्थर भी इंक्लूड था, पत्थर के साथ साथ कॉपर भी इंक्लूड था। मतलब कॉपर का भी औजार मिला, पत्थर का भी औजार मिला, लेकिन सबसे ज्यादा वर्चस्व जो था वह कॉपर का था, जिस कारण से इसका नाम पड़ जाता है ताम्रपाषाण काल, इंग्लिश में कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज का सबसे पहले इकोनॉमी का बात करते हैं, तो कैल्कोलिथिक एज के इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि इस समय का जो अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमी था, अर्थव्यवस्था था, वह एग्रीकल्चरल बेस्ड था। एग्रीकल्चरल बेस्ड था मतलब कृषि पर आधारित इस समय का अर्थव्यवस्था था। देखिए, हमारा प्राचीन समय से हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था था वह कृषि पर ही टिका हुआ था। मतलब पहले लोगों के पास दुकान मतलब शॉप वगैरह करने के लिए रुपया पैसा नहीं था और लोगों के पास शॉप वगैरह खोलने का नॉलेज भी नहीं था, जिस कारण से मोस्ट ऑफ लोग जो थे वह किस पर डिपेंड थे, तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थे। इस समय ताम्रपाषाण काल का भी इकोनॉमी कैसा था? एग्रीकल्चरल बेस्ड था। प्राचीन काल ही नहीं, जब हमारे यहाँ जब औपनिवेशिक शासन आता है, औपनिवेशिक शासन में भी हम लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर ही था। उस समय खूब अंग्रेज नील का खेती करवाता था, तरह तरह की चीजों खेती करता, मतलब कि एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारा इकोनॉमी था। ठीक है, ताम्रपाषाण काल में कैसे इकोनॉमी था? एग्रीकल्चरल बेस्ड। अब नेक्स्ट आता है कि ताम्रपाषाण काल का
ताम्रपाषाण काल का मेजर एरियाज कहाँ था, मतलब कहाँ पे ताम्रपाषाण काल का पर जो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिला, ताम्रपाषाण काल का कैल्कोलिथिक एज का सबसे ज्यादा वर्चस्व किस एरिया में देखने के लिए मिला, तो सबसे ज्यादा इसका वर्चस्व देखने के लिए मिलता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तर भारत, ठीक है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा इसका वर्चस्व देखने के लिए मिला, मतलब मोस्ट ऑफ जो भी इसका साइट्स मिलता है वह नॉर्थ इंडिया का ही मिलता है। नेक्स्ट आता है इसका ट्रिक, जैसे कि हम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आप याद रख सकते हैं ट्रिक है इसका ताऊ, ताऊ याद रखिएगा, ताऊ से ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल उसे उत्तर, मतलब ताम्रपाषाण काल का सबसे ज्यादा वर्चस्व भारत तक किस क्षेत्र में देखने के लिए मिलता है, उत्तर वाले क्षेत्र में, ठीक है, नॉर्थ वाले क्षेत्र में। अब इसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट कल्चर करते चलते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर है उसके बारे में जानना काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट कल्चर के बारे में, इसके बारे में जानना काफी जरूरी है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इससे। तो इंपॉर्टेंट कल्चर में सबसे पहले आता है आहार या बनास कल्चर, पहला आता है आहार या बनास संस्कृति या फिर कल्चर बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आहार या बनास संस्कृति कहाँ है, ये देखने के लिए मिला था राजस्थान में, कहाँ देखने के लिए मिला था राजस्थान में, ठीक है। यहाँ का जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है आहार और गिलोंद, कौन सा जगह है, तो आहार है और गिलोंद है, आहार और गिलोंद यहाँ का गो टू इंपॉर्टेंट जगह है। कहा जाता है कि बनास नदी, जो बनास नदी राजस्थान में है उसके बारे में भी आहार और बनास संस्कृति में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। यहाँ से दो जगह आहार और गिलोंद के बारे में पता चलता है, कहाँ है सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ है आहार और बनास संस्कृति कहाँ से देखने के लिए मिलती है, ये देखने के लिए मिलती है राजस्थान, यहाँ से दो टू इम्पोर्टेंट जगह मिलता है आहार और गिलोंद। उसके बाद बनास नदी के बारे में भी जानकारी मिलता है यहाँ से, जो बनास नदी सूख गई है उसके सूखने का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। तो इस तरह से ये खत्म हो गया आहार और गिलोंद, सॉरी आहार और बनास संस्कृति खत्म हो गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट कल्चर के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आपको जानना जरूरी है, है आम का रंग प्रभास जैसा, ठीक है, आम का रंग प्रभास जैसा, ठीक है, ये ट्रिक है, किस चीज का ट्रिक है भाई, ये ट्रिक है ताम्रपाषाण काल के इंपॉर्टेंट कल्चर को याद करने का, ठीक है, ताम्रपाषाण काल के इंपॉर्टेंट कल्चर को याद करने का यह ट्रिक है। पहला हम लोग कर लिए कौन सा कल्चर, आहार और बनास कल्चर, कहाँ है आहार और बनास कल्चर, तो ये है राजस्थान में, ये किस पीरियड का कल्चर है, किस पीरियड का है, ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक एज का है, ठीक है। दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बन गया, सबसे पहला क्वेश्चन कि आहार संस्कृति कहाँ की संस्कृति है, सॉरी कहाँ पे, मतलब इसका जो है पाया गया किस स्थान पे देखने के लिए मिला, राजस्थान में देखने के लिए मिला, किस समय की यह संस्कृति है, ये संस्कृति ताम्रपाषाण काल की है, पहला खत्म हो गया। दूसरा आता है मौ, दूसरा क्या आता है मौ, आम का रंग प्रभास जैसा, ठीक है, ट्रिक है ये, मौ, मौ से क्या होता है, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति का सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति जो है मालवा संस्कृति कहाँ है, तो मालवा संस्कृति के बारे में, मालवा संस्कृति के बारे में
इसका प्लेस पूछता है, बताइए मालवा संस्कृति कहाँ पे थी? तो मालवा संस्कृति थी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश में। अब आता है कि मालवा संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था, वो काफी प्रसिद्ध था। क्या था चीज? मालवा मृदभांड। मालवा मृदभांड, मृदभांड मीन्स मिट्टी का बर्तन, ठीक है? मिट्टी का बर्तन को मृदभांड उस समय कहा जाता था, शुद्ध हिंदी है ये। तो मालवा मृदभांड काफी प्रचलित था, जैसे कि मतलब इसका नाम ही है मालवा मृदभांड। जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं आगरा का पेठा काफी प्रसिद्ध है, उसी तरह से मथुरा का पेड़ा काफी प्रसिद्ध है, उसी तरह से मालवा मृदभांड जो मालवा संस्कृति का था ये काफी प्रसिद्ध था अपने आप में। चंदेरी का साड़ी वगैरह आपको सुने होंगे, वो सब काफी प्रसिद्ध था। तो इसी तरह से मालवा मृदभांड भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। किस संस्कृति में? मालवा संस्कृति में। कहाँ पे मिला ये मालवा संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? तो मध्य प्रदेश से। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में ये संस्कृति देखने के लिए मिली थी। अब यहाँ का इम्पोर्टेंट प्लेस आता है, तो यहाँ का इम्पोर्टेंट प्लेस है नवदा टोली इरार। नवदा टोली इरार आता है, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है मालवा संस्कृति का वो है नवदा टोली इरार। अलग अलग प्लेस है, ये इरार है, इरार ये नवदा टोली। नवदा टोली से कहा जाता है कि नवदा टोली से खाने के दाने का साक्ष्य मिलता, मतलब खाने के दाने का साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। कहाँ से? नवदा टोली से। कहाँ है नवदा टोली? तो नवदा टोली है मध्य प्रदेश में, ठीक है? मध्य प्रदेश में नवदा टोली है। ये किस संस्कृति के बारे में जानकारी देता है? तो मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति मिला कहाँ? मालवा संस्कृति के बारे में कहाँ जानकारी मिलता है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है? नवदा टोली भी मध्य प्रदेश में है। मालवा संस्कृति किस टाइम पीरियड का संस्कृति है? ताम्रपाषाण काल का। तो मालवा संस्कृति भी हो गया समाप्त। अब आता है का, क्या है ये? का है, सॉरी का। आम का रंग प्रभास जैसा, तो भी हो गया खत्म। अब आता है तीसरा नंबर का। का से होता है कायथा। सब संस्कृति बता रहे हैं भाई, संस्कृति जो सब संस्कृति चल रहा है ये मालवा, सॉरी कायथा संस्कृति। किस टाइम पीरियड का है? ताम्रपाषाण काल, कैल्कोलिथिक पीरियड का ये संस्कृति है कायथा संस्कृति। कायथा संस्कृति कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलता है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, उज्जैन वाला क्षेत्र आप लोग देख रहे होंगे। उज्जैन वाला क्षेत्र जो है ये उज्जैन वाला क्षेत्र जो है वहां पे कायथा संस्कृति के बारे में, मतलब सब कायथा संस्कृति में ही, उस समय प्राचीन समय में काफी ज्यादा उस पर इसका असर पड़ा था। तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद यहाँ से किस चीज का, यहाँ से किस चीज का साक्ष्य मिलता है, या फिर यहाँ पे यहाँ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टूल था, जो जो कौन सा टूल था? तो हैंडेक्स टूल था। हैंडेक्स औजार मिलता है, हस्तकुठार। हस्तकुठार के बारे में यहाँ से प्रमाण मिलता है। ये हस्तकुठार कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, ये हस्तकुठार कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, ये मेटल का बना हुआ था। ये हस्तकुठार मेटल का बना हुआ था और कायथा संस्कृति से मेटल हैंडेक्स धातु के हस्तकुठार का साक्ष्य मिलता है। ये भी हो गया खत्म, बस इतना ही है, इसे ज्यादा कुछ जानना नहीं है, खत्म हो गया। अब आता है रंग, कायथा खत्म। चौथा आता है रंग, रंग से होता है रंगपुर। रौ से क्या होता है? रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? सभी बापुओं को पता होगा रंगपुर कहाँ है। रंगपुर संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है गुजरात से, ठीक है? रंगपुर संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? गुजरात से। यहाँ से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एविडेंस प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है लाल चमकीला चमकीला मृदभांड। लाल चमकीला
मृद्वान यहाँ से इविडेंस के रूप में प्राप्त होता है। रामपुर भी हो गया खत्म। अब क्या है प्रभास, कौन सा प्रभास? बाहुबली के प्रभास नहीं, बाहुबली का प्रभास नहीं, ये प्रभास हो गया प्रभास संस्कृति, प्रभास कल्चर। पहला क्वेश्चन प्रभास कल्चर किस टाइम पीरियड का कल्चर था? कैल्कोलिथिक पीरियड का, ताम्रपाषाण काल का। इसके बारे में एक और एक ही चीज है, क्या चीज है? इसके बारे में कहा जाता है कि प्रभास संस्कृति कहाँ से मिलता है, तो इसका जानकारी गुजरात से मिलता है। बस एक और एक ही चीज, सिर्फ और सिर्फ गुजरात से जानकारी इसका मिलता है। प्रभास संस्कृति हो गया खत्म, प्रभास संस्कृति हो गया खत्म। अब आता है जैसा, तो जैसा छठा नंबर, सिक्स नंबर, जैसा जैसा से हो गया जारवे संस्कृति। और जारवे संस्कृति के बारे में अगर आप लोग पढ़े होंगे स्टैटिक सी के, रेलवे का या फिर एसएससी का, तो उसमें जारवे संस्कृति के बारे में जरूर आप लोग पढ़े होंगे। कहाँ से इसके बारे में जानकारी मिलता है? सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से, इसके बारे में जानकारी महाराष्ट्र से मिलता है। मतलब महाराष्ट्र में जारवे संस्कृति देखने के लिए उस समय मिली थी, ठीक है? तो जारवे संस्कृति का जानकारी महाराष्ट्र से। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट प्लेस था, यहाँ का जो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ प्लेस था उसमें आता है पहला इनाम गांव और दूसरा आता है दैमाबाद। पहला यहाँ का इम्पोर्टेंट प्लेस है इनाम गांव और दूसरा है दैमाबाद। दैमाबाद, इनाम गांव और दैमाबाद किस संस्कृति का ये इम्पोर्टेंट प्लेस है? जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? महाराष्ट्र। किस टाइम पीरियड की संस्कृति है? ताम्रपाषाण काल का। तीन चार क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। इसके बारे में कहा जाता है कि जारवे संस्कृति सबसे बाद की संस्कृति तथा सबसे विकसित संस्कृति थी। जारवे संस्कृति सबसे बाद की संस्कृति तथा सबसे विकसित संस्कृति थी, ठीक है? नेक्स्ट है कि यहाँ से गोलाकार झोपड़ी का एविडेंस मिला, सर्कुलर हॉट का। किस चीज का? तो गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी का यहां से एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है, साक्ष्य मिलता है सर्कुलर हॉट का, ठीक है? नेक्स्ट है कि यहां से कब्र में मिट्टी के बर्तन मिला और उस मिट्टी के बर्तन में, कब्र से मिट्टी का बर्तन मिलता है और उस मिट्टी के बर्तन को जब खोल के देखा जाता है तो कहा जाता है कि यहाँ से जो कब्र का खुदाई हुआ उसमें मिट्टी के बर्तन में लाश वगैरह, आदमी का लाश, पुरुष का लाश, स्त्री का लाश, जो भी था वहाँ से बर्तन में से प्राप्त होता है। तो इसके बारे में इस चीज़ को देख करके और यह कहा जाता है कि जारवे संस्कृति में सोशल डिवीजन स्टार्ट हो चुका था, मतलब सामाजिक बंटवारा स्टार्ट हो चुका था। किस चीज़ का सामाजिक बंटवारा? तो अमीर गरीब का, ठीक है, ये सब चीज़ का बंटवारा हो चुका था। मतलब उस समय अमीर गरीब, छोटा ऊंचा नीचा, ये सब भेदभाव होने लगा था। कैसे हम बोल सकते हैं? तो जारवे संस्कृति से जो कब्र खोदा जाता है और उस कब्र में मिट्टी के बर्तन में डेड बॉडी मिलता है, उससे यह कहा जाता है कि उस समय जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों का लाश ऐसे नॉर्मल वगैरह से दफना दिया गया होगा और जो अमीर लोग थे उनका लाश, उनका डेड बॉडीज मिट्टी के बर्तनों में रख करके तब उसको दफनाया गया था। तो यहाँ से इस चीज़ का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट है कि इंसान को जमीन में गाड़ने से पहले उसके दोनों पैर काट दिए जाते थे। यहाँ से एक और बहुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट पता चलता है कि इंसान को जमीन में गाड़ने से पहले उसका दोनों पैर काट दिया जाता था। क्यों काट दिया जाता था? क्योंकि कहा जाता है कि उस समय सुपरस्टिशन काफ़ी ज़्यादा लोगों में आ चुका था, मतलब लोगों में अंधविश्वास फूट फूट के बड़ा हुआ था। किस चीज़ का अंधविश्वास? तो इससे यह कहा जाता है कि लोगों में अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए क्या करते थे, इंसान को जमीन में गाड़ने से पहले पैर काट देते थे कहीं मजबूत वगैरह बन करके और वो डराने के लिए घर में पहुँच नहीं जा। सही मजाक नहीं, सही चीज़ है ये। इसके बारे में इतिहासकार यही मानते हैं कि अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा था, भूत प्रेत पे लोग विश्वास करते थे, जादू टोना पे विश्वास करते थे,
जिस कारण से इंसान को जमीन में काटने से पहले पैर उसका काट देते थे। ये खत्म हो गया, अब लास्ट आता है ठीक है। ठीक है चलिए देख लीजिए, ठीक है इंग्लिश में इसको लिख देते हैं ठीक है। ठीक है टी से क्या होता है, ताम्र भंडार संस्कृति। टी से ताम्र भंडार संस्कृति, ताम्र भंडार संस्कृति इसके बारे में जानकारी मिलता है बिठूर से। कहां से? बिठूर। बिठूर कहां है? कानपुर में है। बिठूर एक जगह है जो कि कानपुर में पड़ता है, वहां से ताम्र भंडार संस्कृति की जानकारी मिलता है। तो इस तरह से आपका खत्म हो गया, इस तरह से आपका खत्म हो गया, ये खत्म हो गया ताम्रपाषाण का जो भी इम्पोर्टेंट कल्चर था वो। तो क्लास को यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे महापाषाण काल, महापाषाण काल नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।